सकती हैं। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए, जैसे कि आज प्रभु भोज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग हैं, डॉक्टर शिबू थॉमस तुम भी सुनो और तुम जैसे लोग जितने भी हैं वो भी सुने, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे को टारगेट करके, हालांकि अब ऐसी बात नहीं रही डॉक्टर शिबू थॉमस में कि वो मेरे को डायरेक्ट टारगेट करे, क्योंकि मैंने उसको तबीयत से ठीक कर दिया है, आप लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट मेरे टीचिंग को लेकर ऐसी वीडियो बनाने की बात मेरे कानों में आई है और मेरे पास में उसकी जो है कुछ बातों को लिंक को भेजा गया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं उस बाइबल में उद्धार सबसे पहला है, सेल्वेशन मोक्ष मुक्ति उद्धार सबसे पहला है। जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वो व्यक्ति जब अपना जीवन प्रभु को दे देता है उसी पल, योना 1:12 रोमियो 8:14, वापस कह दे रहा हूँ, योना 1:12 रोमियो 8:14 लिखा है कि उसी पल वे परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। दूसरी बात इफिसियो 1:13 इफिसियो 4:30 जहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा की मोहर उसके ऊपर लग जाती है, द सील ऑफ द होली स्पिरिट उसके ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसी पल उस व्यक्ति का उद्धार तो होता ही है लेकिन वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और वो ये है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहना शुरू करता है और उसका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। बपतिस्मा देना जरूरी है, इस बात को मैं सिखाता हूँ, इस बात को मैं लोगों को लेकर चलता हूँ। और आने वाले सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे हम जो है पूना से आपके बीच में जब लाइव आएंगे तो वहाँ मैं कम से कम 10-8 लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूँगा। तो हम बपतिस्मा के पक्ष में, हम बपतिस्मा देते हैं, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं हुआ और बीच में प्रभु भोज आ गया तो हम उसको रोकते भी नहीं हैं, क्योंकि मुझे बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती और जो चीज़ मुझे इजाज़त नहीं देती मैं उसको क्यों लागू करूं और मैं क्यों कहूं कि तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम उसके काबिल नहीं हो, जबकि ऊपर बैठा परमेश्वर उसको अपना बेटा बेटी बना चुका, तो फिर मैं अपनी टांग बीच में क्यों डालूं। तो दोस्तों जितने भी लोग ऐसी शिक्षाएं देते हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अपनी टीचिंग को ठीक करो और बातों को समझो। बपतिस्मा के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, लेकिन बपतिस्मा के पहले अगर प्रभु भोज का दिन आता है तो उसको मैं देता हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि हम प्रभु भोज देने से नहीं रोकते, हम सेव